नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं, अभी हाल ही में एसएससी ने एसएससी सीपीओ एसआई रिक्वायरमेंट 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अगर बात की इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो आपसे टोटल 1876 पदों के लिए अभी दिल्ली पुलिस में या फिर सीएपीएफ में या फिर एसएसबी में आपसे ऑनलाइन आवेदन वो मांगे गए हैं एसआई के। जो उम्मीदवार दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी का वेट कर रहे थे, उनके लिए एक अच्छी खबर है कि आपका नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीपीओ एसआई का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में एसएससी सीपीओ 2023 के बारे में जितने भी डाउट बने वो सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज़ के बारे में है? एसएससी सीपीओ भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार एसएससी ने दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में एसआई यानी सब इंस्पेक्टर के 1876 पदों पर आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 22 जुलाई 2023 से 13 अगस्त 2023 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से एसएससी सीपीओ एसआई वैकेंसी 2023 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम एसएससी सीपीओ एसआई नोटिफिकेशन 2023 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगी। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर अपन बात करें तो दिल्ली पुलिस में 165 पोस्ट है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ में 113 पोस्ट है, सीआईएसएफ में 630 पोस्ट है। इसके अलावा अगर बात करें सीआरपीएफ में तो 818 पोस्ट है। इसके अलावा इंडो तिब्बत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पुलिस फोर्स यानी आईटीबीपी में अगर बात करें तो आपकी 63 पोस्ट है और एसएसबी में आपकी 90 पोस्ट है। इस तरह से आपसे टोटल 1876 पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता हमारे अगर बात करें तो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सीएपीएफ की अगर बात करें तो आपको क्या किसी भी सब्जेक्ट से आपको बैचलर डिग्री किया होने से किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। इसके अलावा अगर बात करें एसआई एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस मेल कैंडिडेट के लिए तो आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वो भी लाइट मोटर व्हीकल यानी मोटरसाइकिल एंड कार का जो जो भी आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी 20 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 25 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों का सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर अपन बात करें तो आपका नोटिफिकेशन कब जारी किया गया है? 22 जुलाई 2023 को आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर बात करें एसएससी सीपीओ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में तो आपका फॉर्म 22 जुलाई 2023 से भरना शुरू हो चुका है। अगर बात करें एसएससी सीपीओ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आप अपना फॉर्म 13 अगस्त 2023 तक भरकर जमा करवा सकते हो। इसके अलावा एसएससी सीपीओ एसआई के एग्जाम डेट के बारे में अगर बात करें तो आपका एग्जाम अक्टूबर 2023 में आयोजित किया जाएगा। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवार 100 रुपये आपकी फीस रखी गई है। इसके अलावा एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट के लिए आपकी कोई फीस नहीं लगने वाली है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं अब एसएससी सीपीओ का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर अपन बात करें तो आप इसमें सबसे पहले होगा टीयर फर्स्ट यानी पेपर फर्स्ट होगा जो कि ऑनलाइन एग्जाम होगा। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट रहेगा। उसके बाद आपका टीयर सेकंड होगा जो आपका एग्जाम होगा, ये भी आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा। चलिए बात करते हैं एसएससी सीपीओ का आपका जो टीयर फर्स्ट का आपका एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। तो एसएससी सीपीओ एसआई पेपर फर्स्ट एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग संबंधित आपके 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, जीके के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, टोटल 200 प्रश्न होंगे, 200 नंबर का आपका पेपर आयोजित किया जाएगा। चलिए बात करते हैं थोड़े पेपर के बारे में। तो सभी प्रश्न वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, पेपर ऑनलाइन होगा,
आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा। पेपर में 200 प्रश्न होंगे, 200 नंबर का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपकी 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में रहने वाला है। अब बात करते हैं कि एसएससी सीपीओ का आपका जो पेपर फर्स्ट रहेगा उसका सिलेबस क्या रहेगा। तो एसएससी सीपीओ एसआई पेपर फर्स्ट सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपका इंग्लिश का सिलेबस क्या रहने वाला है। इसमें आएगा आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक, स्पेलिंग, फ्रेज एंड एडियम, इसके अलावा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन और एरर स्पॉटिंग से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी जितने भी आपके इंग्लिश ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन है वो इसमें पूछे जाएंगे। चलिए बात करते हैं अब रीजनिंग का सिलेबस क्या रहेगा। तो रीजनिंग में आपका क्या क्या आने वाला है, इसमें क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, मैट्रिक्स, वर्ड फॉर्मेशन, वेन डायग्राम, वर्ड लेसन, मिसिंग नंबर, पजल, डायरेक्शन, इसके अलावा नॉन वर्बल रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी का आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इसमें क्या क्या आएगा, सिंप्लीफिकेशन, इंटरेस्ट, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एवरेज, रेशन प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम ऑन एज, नंबर सीरीज, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, टाइम एंड वर्क, मेंशन, डीआई, मिक्सड प्रॉब्लम, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाने वाले हैं। बात करते हैं जीके का क्या क्या आने वाला है इसमें। तो जीके में आ जाएगा हिस्ट्री आ जाएगी इंडिया की, नाइबोरिंग कंट्री की और वर्ल्ड की, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, कंप्यूटर, करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी की आपकी इसमें पूछी जाएगी। सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है करंट जीके पे, करंट जीके के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन के आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब बात करते हैं जब आपका पेपर फर्स्ट पास हो जाएगा उसके बाद आपको पीएसटी और पीटी के लिए बुलाया जाएगा। तो एसएससी सीपीयू एसआई पीटी और पीएसटी के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं हाइट और चेस्ट के बारे में। तो हाइट और चेस्ट की अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट की अगर बात करें तो इसमें आपकी हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए कम से कम, चेस्ट आपकी 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए कम से कम और आपको 5 सेंटीमीटर चेस्ट ऑफ फुलानी है जो कि लिस्ट सेकंड और थर्ड के कैंडिडेट को छोड़ कर ही जो कि जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार उनके लिए। इसके अलावा अगर बात करें तो सेकंड लिस्ट में अगर बात करें तो जो इसमें पहाड़ी क्षेत्र के जो उम्मीदवार है उनके लिए आपकी जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर कम से कम, 80 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपको कम से कम फुलानी होगी। इसके अलावा अगर बात करें थर्ड कॉलम में तो ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब्स यानी एसटी के उम्मीदवार की आपकी 165.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट कम से कम होनी चाहिए, 70 सेंटीमीटर आपकी कम से कम चेस्ट होनी चाहिए और आपको 5 सेंटीमीटर फुलाने, तो 82 आपकी सेंटीमीटर वो आपकी चेस्ट होना जरूरी है फुलाने के बाद। अगर बात करें फीमेल कैंडिडेट की तो आपकी हाइट है वो 157 सेंटीमीटर आपकी जनरल कैटेगरी के जो उम्मीदवार है उनके लिए आपकी इसमें हाइट है वो मांगी गई है। अगर बात करें फीमेल कैंडिडेट की जो कि पहाड़ी क्षेत्र से आती है उनकी आपकी जो हाइट है वो 155 सेंटीमीटर आपकी कम से कम होनी चाहिए। इसके अलावा जो कि एसटी के उम्मीदवार है फीमेल कैंडिडेट उनकी हाइट है वो 154 सेंटीमीटर आपकी कम से कम होनी जरूरी है। चलिए बात करते हैं एसएससी सीपीओ पीटी के बारे में। पीटी के बारे में अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट की अगर बात करें तो आपकी 100 मीटर की रेस है 16 सेकंड में पास करनी है, 1.6 किलोमीटर रेस आपको 6.5 मिनट में आपको पास करनी है, लॉन्ग जंप आपको 3.65 मीटर लगाना है, 3 चांस आपको दिए जाएंगे, हाई जंप की अगर बात करें तो 1.2 मीटर आपको लगाना, 3 चांस दिए जाएंगे, शॉर्ट पुट की अगर बात करें तो आपको 4.5 मीटर आपको फेंकना कम से कम और 3 चांस आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। अगर बात करें फीमेल कैंडिडेट के लिए तो आपकी 100 मीटर की रेस आपको 18 सेकंड में पास करनी है, 800 मीटर की रेस 4 मिनट में पास करनी है, लॉन्ग जंप है वो 2.7 मीटर लगाना है, 3 चांस आपको दिए जाएंगे, हाई जंप की अगर बात करें तो 0.9 मीटर आपको हाई जंप कम से कम लगाना और 3 चांस आपको यहाँ पे भी दिए जाएंगे। तो ये हो गया आपका पीएसटी और पीटी के बारे में। अब बात कर लेते हैं जब आपका पीएसटी और पीटी पास हो जाएगा तो आपको पेपर सेकंड के लिए बुलाया जाएगा। तो एसएससी सीपीओ पेपर सेकंड एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपका सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंसिव संबंधित क्वेश्चन आएंगे, 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 नंबर का होगा और 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। इसमें भी आपकी क्या 0.25 अंक की आपकी नेगेटिव मार्किंग वो रहने वाली है, ये भी आपका ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। सैलरी बारे में अगर बात करें तो एसएससी सीपीओ एसआई की सैलरी रहने वाली है पे लेवल 6 के आपको सैलरी दी जाएगी 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। तो आपको बहुत अच्छी सैलरी दी जाने वाली है, अगर आप योग्यता रखते हो तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करें। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हम डिस्कस किया कि अभी हाल ही में एसएससी ने सीपीओ एसआई की भर्ती का नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया है।
साथ में हम डिस्कस किया कि एसएससी सीपीयूएसआई का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसका पीएसटी और पीटी में आपसे क्या क्या इवेंट करवाए जाएंगे आदि बारे में विस्तृत रूप से हमने चर्चा की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करी वो आपको अच्छी लगी, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन देकर उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।